हेलो स्टूडेंट्स, सो अब जब से ये खबर आई है दैट पेपर माइट हैपन, जेई मीन्स पेपर माइट हैपन 4 times इन द ईयर एंड देर विल बी एन ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग 75 out of 90 odd questions, बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है. सो क्या करना चाहिए, 3 points में बात करूंगा. पहला पॉइंट, पहली बात, दिस इज नॉट फाइनल. अभी ये कंसिडरेशन में, हो सकता है इसमें चेंजेस हो और हो सकता है इंप्लीमेंट ना हो. सेकेंड पॉइंट, दूसरा जो लगता है लोगों की, सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो डरने लग गए हैं और दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रहा है. पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? कंपटीशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कंपेटिटिवनेस. आप चाहते हैं एक IIT JEE जैसा पेपर जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव माना जाता है, आप उसको बिना कॉम्पिटिशन के दे दें? ऐसा तो नहीं होने वाला. सो द मोर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वुड बी, द बेटर क्रीम वुड कम आउट टू द IITs, एंड दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, राइट? सो अगर एक होता है कि आप सेट माइंड एक फिक्स पैटर्न से दे रहे हैं, तो एक तरीके से वो पेपर कंपेटिटिव नहीं रहता है, बिकॉज देर आर ट्रेंड्स विच पीपल कैन फाइंड आउट एंड गेट इन टू इट. अगर रेंडमनेस होती है तो कई कई जगहों पर येस डेफिनेटली द कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज, बट इट इज अप टू यू दैट डू यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे. तो इसका एक ही इलाज है कि आपको क्या करना है, अपने आप से कंपीट करना है, दूसरे से नहीं. इस चीज का किसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो अगर आपका टारगेट 50,000 के बाद की रैंक थी, तो येस डेफिनेटली फॉर यू इट्स अ वेरी डेंजर जोन. जैसे जैसे आप रैंक नीचे करते जाएंगे, आप कहते हैं नहीं सर मेरा टारगेट टॉप 10,000 रैंक है, बिलीव मी द कॉम्पिटिशन इज स्टिल द सेम, बिकॉज रेस्ट 9,90,000 स्टूडेंट्स आर ऑल कंफ्यूज. दे विल जस्ट कीप वेस्टिंग देयर टाइम फाइंडिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज, वेदर द कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज डिक्रीज, वो इसी में समय लगा देंगे. पर जो एक अच्छा बच्चा है जिसको रियल कॉम्पिटिशन का कैंडिडेट माना जाता है, वो चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है. थर्ड इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं एंड करना चाहूंगा, पेपर के अटेम्प्ट हो 3 या 4 या 2, आपका टारगेट होना चाहिए पहले अटेम्प्ट को ही बेस्ट अटेम्प्ट मान के काम खत्म करा जाए. 3 हो 2 हो या 4 हो, पहला अटेम्प्ट ही हमेशा सबसे ज्यादा इजी रहेगा, स्कोरिंग रहेगा. इसका इंपैक्ट जो एक आप लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया है कि अगर जब 4 अटेम्प्ट हो जाएंगे तो बच्चे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे. उन्हें लगेगा नहीं यार मैं 3rd अटेम्प्ट तक या 4th अटेम्प्ट तक फुल अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा, पहला टारगेट तो मैं सिर्फ मॉक की तरह देके आऊंगा. तो जो रियल कॉम्पिटिशन का बच्चा होगा वो क्या कोशिश करेगा, वो पहले अटेम्प्ट को ही अपना मेन अटेम्प्ट मान के पेपर फोड़ के आएगा और कॉन्फिडेंटली बाद में बैठ के आराम से JEE एडवांस की तैयारी करेगा. तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, कॉम्पिटिशन ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज द स्टूडेंट्स who are focused from here, who are stable from here, always remain almost the same. God bless you all. अपने से compete करना है, किसी और से नहीं, paper फोड़ना है.